हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि इंटरनेशनल ट्रेड को प्रॉपरली रन करने के लिए हमारे पास तीन पिलर्स हैं, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, WTO तो हम लोग बाद में देखेंगे, आज हम लोग देखेंगे कि आपका ये जो IMF और IBRD है इसका इंट्रोडक्शन क्यों हुआ और कैसे हुआ। ठीक है, तो कई सारी चीज़ें हैं जिसको हम लोग सीरीज़ और सीक्वेंस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, सो दैट कहानी के टर्म्स में हम लोग पढ़ेंगे, सो दैट हमारे को ये चीज़ एकदम अच्छे से मेमोराइज हो जाए और एग्ज़ाम में हम लोग प्रॉपर पॉइंट्स में मेंशन कर सकें और हमारे कोई भी मार्क्स नहीं कट कर सकता। ठीक है, ऐसा हम लोग ट्राई करेंगे। तो हम लोग चलते हैं वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के पास। ठीक है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था आपका 1914 से लेकर 1918। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, अगर कोई वॉर हो रही है, ठीक है, तो उसमें दोनों कंट्रीज़ या फिर आसपास की जितनी भी कंट्रीज़ होगी सारे के सारे इफ़ेक्ट होंगे। जब वॉर हो रही है तो कंट्रीज़ क्या हो जाएगी, डिवेस्टेट हो जाएगी और वहाँ के हर एक चीज़ पर बहुत ही ज़्यादा बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, जब पूरी कंट्री डिवेस्टेट हो जाएगी और हर एक चीज़ पर बैड इम्पैक्ट पड़ेगा, तो ये बताइए कि प्रोडक्शन फिर पॉसिबल है। जब आपकी कंट्रीज़ में रिसोर्सेज ही नहीं बचेंगे तो प्रोडक्शन हो जाएगा आपका ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ पर उसी सीरीज़ को आपको समझना पड़ेगा। देखिए, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जब हुआ था 1914 से 1918, तो फिर क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा बैड इम्पैक्ट पड़ा था किस पर, कंट्रीज़ पर। ठीक है, और फिर जिसके वजह से आपका जो प्रोडक्शन है वो क्या हो गया, डाउन हो गया। जब कंट्रीज़ में रिसोर्सेज ही नहीं बचेंगे तो प्रोडक्शन कहाँ से होगा। अब जब कंट्रीज़ के पास प्रोडक्शन करने के लिए कुछ रिसोर्सेज बचे नहीं, तो फिर क्या हुआ, 1929, ठीक है, 1929 इसका इफेक्ट यहां पर अब दिख रहा है। 1929 से 1930 में आपका क्या आ गया, ग्रेट डिप्रेशन, जिसको हम लोग ग्लोबल डिप्रेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ग्लोबल डिप्रेशन हो गया, इसका मतलब आपके जितने भी बैंक्स थे वो सभी फेल हो गए। मतलब बैंक्स से लोग लोन तो ले रहे थे लेकिन रिटर्न नहीं कर रहे थे, या फिर लोन ले रहे थे तो उसके ऊपर वो इंटरेस्ट पे नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, जिससे कि बैंक लोगों को प्रोवाइड तो कर दिया लेकिन फिर वापस से बैंक उन लोगों से पैसों को रियलाइज़ नहीं कर पाया और फिर वो फेल हो गया। ठीक है, अब ये जो बैंक फेलियर है इसको मीट करने के लिए, इसको सही करने के लिए लाया गया बेसल नॉर्म्स। ठीक है, बेसल नॉर्म्स, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, जिसको आप ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट भी कह सकते हो। ठीक है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1930 में, और 1930 में जो BIS बना था इसके अंडर में लाया गया था आपका बेसल नॉर्म्स। इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी बस आपको इतना ध्यान रखना है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के कारण आपका ग्रेट डिप्रेशन आ गया था। कब, 1929 से 1930 तक। फिर उसके बाद जिसकी वजह से क्या हुआ, बैंक फेलियर हो गए, और फिर बैंक फेलियर को सही करने के लिए 1930 में क्या लाया गया, BIS, और BIS के अंडर में एक बॉडी बनी है बेसल नॉर्म्स, जो ये सब चीज़ें संभालने का काम करेगी, क्या, बैंक जितने भी फेल होते हैं उनको सही करने का काम करेगी। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, आगे जब ये सब इतना चीज़ें चल रही थी तो मतलब कंट्रीज़ सही होने की कोशिश कर ही रही थी कि तब से एक और वर्ल्ड वॉर हो गया। ठीक है, एक और वर्ल्ड वॉर हो गया, कब, 1939 से लेकर 1944 और 45 तक, मतलब ये एग्जैक्ट एकदम नहीं पता है, 44 या 45, आप ऐसे ही लिखोगे 44 या 45। ठीक, वर्ल्ड वॉर सेकेंड, बहुत जगह आपको 44 दिखेगा, कई सारी जगह आपको 45 दिखेगा। ठीक है, तो ऐसे क्या हुआ, जब वर्ल्ड वॉर पे वर्ल्ड वॉर होता जा रहा था, कंट्रीज सारी डिवेस्टेट होती जा रही थी, सारे के सारे रिसोर्सेज ख़त्म होते जा रहे थे, तो फिर US के और UK के, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के दो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट, ठीक है, एक US के एक UK के, दो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट, कौन कौन, मिस्टर डेक्सटर वाइट और यूके के JM कीन्स। ठीक है, USA के मिस्टर डेक्सटर वाइट और UK के JM कीन्स। ठीक है,
तो इन्होंने मिलकर क्या किया, इन्होंने एक मीटिंग रखी जिसमें और भी कई सारे इकोनॉमिस्ट वगैरह को बुलाया गया और एक ज्वाइंट प्लान बनाया इन्होंने। कब ये प्लान बनाया उन्होंने, 1944 में। और ये जो मीटिंग चली, ठीक है, वो 1 तारीख से लेकर 22 जुलाई तक चली। आपको ये डेट याद रखना पड़ेगा, आप डेट वहाँ मेंशन करोगे तो टीचर को पता चलेगा हाँ इस स्टूडेंट को कुछ ना कुछ आता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये जो ज्वाइंट प्लान बना 1 से लेकर 22 जुलाई तक बना, ठीक है, 1944 के 1 से लेकर 22 जुलाई तक। मीटिंग कहाँ हुई थी, USA में हुई थी, ठीक, ये बात आपको ध्यान रखना है। मेरे साथ साथ ही आप लोग नोट्स बनाते जाओ और फिर सो दैट मैं अभी इसको रब करके वापस से यहाँ पर आपके लिए और आगे की चीज़ें लिख सकूँ, ठीक है। जल्दी से इसको पॉज करो और नोट्स बना लो। तो ठीक है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था आपका 1939 से 1944 और 45 तक, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, एक ज्वाइंट मीटिंग बैठाई गई, ठीक है, जिसमें मेनली जिसको लीड कर रहे थे उस मीटिंग को मिस्टर डेक्सटर वाइट और जेएम कीन्स। मिस्टर डेक्सटर वाइट आपके यूएस के थे और यूके के थे जेएम कीन्स, उन दोनों ने मिल करके एक मीटिंग बैठाई जो कि ज्वाइंट प्लान था। 1944 में ये मीटिंग बैठाई गई थी और ये मीटिंग चली थी 1 तारीख से 22 तारीख तक चली थी, ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं 1 से लेकर 22 जुलाई तक चली थी, ये आपको याद रखना है, आप लोग मेंशन कर दीजिएगा सो दैट आपका आंसर और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाए। जब ये मीटिंग चली तो बहुत अच्छे से, फिर उसके बाद US में ये मीटिंग चली थी और इस मीटिंग का कंक्लूजन क्या निकला। देखो नॉर्मल सी बात है, अगर आप कोई भी मीटिंग कर रहे हो, ठीक है, तो उसका कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकलेगा, कुछ ना कुछ उसके कुछ रिजल्ट्स या आउटपुट निकलेंगे। तो इस मीटिंग का जो ये रिजल्ट निकला, देखो मेनली दो ही प्रॉब्लम्स पता चल रही थी, क्या कंट्रीज बहुत ज़्यादा डिवेस्टेट हो चुकी थी, उनके लिए कुछ काम करना था, और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज थी जिन लोगों के जो BOP है वो नेगेटिव में जा रहे थे, ठीक है, मेनली ये दोनों प्रॉब्लम पता चल रही थी। अब इन दोनों प्रॉब्लम को सही करने के लिए ही मेनली दो बॉडीज़ को सेटअप किया गया, 2 बॉडीज़ वर सेटअप। पहली बॉडी जो है, ठीक है, ये आपकी पहली बॉडी, इसका नाम है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। क्या लिखा है, इस बॉडी को क्यों बनाया गया, वॉर की वजह से, ठीक है, जो दोनों वॉर हुए थे, वॉर की वजह से जो इकोनॉमी डिवेस्टेट हो गए हैं, ठीक है, उनको रिवाइव करने के लिए पैसा प्रोवाइड करेगा। कौन, IBRD क्या करेगा, फंडिंग करेगा उन कंट्रीज़ को जो कंट्रीज़ डिवेस्टेट हो गए हैं, किसके वजह से, बिकॉज ऑफ वॉर, ठीक है। तो ये IBRD का काम था, आप देख रहे हो ना, इसका फुल फॉर्म पढ़ो, फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, टू रिकंस्ट्रक्ट एनी कंट्री और फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ये क्या करेगा, ये फंडिंग प्रोवाइड करेगा उन कंट्रीज को जिन कंट्रीज का बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव में चल रहा है, ठीक है। तो नेगेटिव से पॉजिटिव के साइड शिफ्ट करने के लिए जो फंडिंग प्रोवाइड करेगा, उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, उसका नाम है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। तो अगर अब आपसे कोई पूछता है कि IBRD को क्यों बनाया गया या फिर IMF को क्यों बनाया गया, तो आप ये आंसर कर सकते हो, ठीक है, साथ साथ में नोट्स बनाते जाना। और अब IBRD और IMF, ये दोनों USA में एक ब्रेटन वुड्स नाम की एक जगह है, ठीक है। तो इन दोनों को जब हम लोग कलेक्टिवली पढ़ते हैं, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं, IMF प्लस IBRD, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिटेन वुड ट्विंस, ठीक है। कब ये काम करना शुरू कर दिया, 1945 में, ठीक है। IMF और IBRD को जब हम लोग कलेक्टिवली पढ़ते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, ये दोनों एक ट्विंस हैं, जो कि कहां पर बनाए गए हैं, ब्रिटेन वुड्स में बनाए गए। ब्रिटेन वुड कहां है, ये आपका USA में है, ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखना पड़ेगा। अब अगर आपसे कोई भी पूछता है कि IBRD या फिर IMF का इंट्रोडक्शन या फिर इवोल्यूशन कैसे हुआ है, तो आप लोग जरूर आई थिंक आप बता सकोगे अब, ठीक है। तो IMF और IBRD हम लोगों ने देख लिया है, नेक्स्ट लेसन में हम लोग IMF और IBRD के बारे में डिटेल में भी देखेंगे। तब तक आप लोग ये नोट्स बना लो और अच्छे से इसको मेमोराइज कर लो और अपनी पढ़ाई एकदम टॉप पर रखो। थैंक यू सो मच और ध्यान रखो अपना।